बसमीम स्टूडेंट्स uh, आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा जो क्वेश्चंस डिफरेंट रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको दिए गए थे उनको उनके बारे में कुछ हिंट दे दूं ताकि आप लोग आसानी से उन क्वेश्चंस को या कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सको तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो लेक्चर है हम लेते हैं ग्लेलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला

प्रूव ये करना है आपने दिखाना ये है कि जिस तरह गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो होल्ड करता है क्या इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कनाइटिक एनर्जी भी होल्ड करता है इलास्टिक कुलियन में तो हमने ये देखना है तो बिल्कुल उसी तरह ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं जिस तरह ये

M1 M2 तो ये S frame of में होगा अगर लिखते हैं तो क्या ये लॉ जो है ट्रांसफॉर्मेशन exactly, कहते हैं एक्जैक्टली exactly हमें वही रिजल्ट देगा जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ है तो जरा आप लोग समझे अगर हम इसी लॉ को लॉफ कंजर्वेशन ऑफ कर्नाटक एनर्जी को हम अगर रेफरेंस में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री इसको हम इस्तेमाल इसके मुताबिक लिखेंगे तो वो बनेगा ए, तो आप लोग अब अब यू वन डैश यू टू डैश वी वन डैश और वी टू डैश की वैल्यू यहां से लेंगे ये देखो u1 डश हमें पता है गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत क्या है u1 v u2 डश इज इक्वल टू u2 v v1 डश इज इक्वल टू v1 v डश माइनस v एंड v2 डश इज इक्वल टू v2 v तो ये जब आप इसमें u1 डश u2 डश डश v1 डश एंड v2 डश में ये वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वेयर्स और जो उनके स्क्वेयर्स बनेंगे यानी u1 v का स्क्वायर u2 v का स्क्वायर का का स्क्वायर स्क्वायर एंड ये जब आप लोग इसको A B के से इसको के से एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी और बाकी टर्म जो है ना जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको आप अलहदा कर लें और जो स्क्वायर के बगैर वाले यानी जो टू ए बी वाली ए माइनस बी के फार्मूले के तहत खोलेंगे ना तो ए टू ए बी का जो जो टर्म होगी टू ए बी वाली उनको आप सेपरेट कर लें उसमें अब उसमें कॉमन चारों चार टर्म्स होंगे और उन चारों में एक चीज कॉमन होगी और वो होगी टू वी टू वी आप बाहर ले लें तो अंदर जो हमारे पास बचेगा ना वो एग्जैक्टली कॉन्जर्वेशन ऑफ हमें ऑफ हमेंटम लॉफ कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता चल रहा होगा तो कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर हमें पता है कि M1, U1, M1, U1, uh, प्लस एम टू वी टू तो आप जब ये वैल्यू वहां पुट करोगे तो वो टर्म जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली वो खत्म हो जाएगी और हमारे पास बाकी एग्जैक्टली exactly यही फार्मूला जो आपने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा होगा एग्जैक्टली एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फार्मूला भी एग्जैक्टली exactly वही आ जाएगा तो इस तरह आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को का इन कोलिजन में अंडर ग्लेन ट्रांसफॉर्मेशन उसको आप लोग वेरीफाई कर सकते हो और आप देखोगे रेफरेंस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में क्वेश्चन तो तो था जो आपको समझाना था, दख, बताना था अब अगर हम मैं आपको शेयर करता हूँ एक और लेक्चर और वो है हमारे पास ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का तो अगर आप लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देखें तो यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर में भी और मेरा ख्याल है कोई खास चीज नहीं समझने वाली है बाकी चीजें तो आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर में ये सारी चीजें समझाई हुई है यहाँ पर जो चीज़ ए, करने वाली सॉल्व यहाँ पर भी एक सोल्व बायर सेल्फ ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ और आपने इसको सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को इस एग्जाम क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये फार्मूला अपने माइंड में रखना होगा कि अंडरेंस वी ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक यू डैश एक्स इज इक्वल टू यू एक्स माइनस बी वन माइनस वी यूएक्स ओवर सी स्क्वायर यानी आप लोग अगर किसी भी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी स्टेशनरी किसी फ्रेम ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो uh, किसी जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर आप किसी भी इवेंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाहें यानी किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो आपने इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में दो नॉर्मल फ्रेम फ्रेम लिए एक फ्रेम रेस्ट में था और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था और जिस से रहा था, वो है v. तो अगर आप लोग मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वी वेलोसिटी से जा रहा है उसके अंदर कोई इवेंट होता है और आप उस इवेंट की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो तो आप उस वी को इवेंट को वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे u- डैश एक्स यानी आप लोग किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसमें किसी इवेंट की वेलोसिटी जानना चाहो आ, वो u- डैश एक्स है वो बराबर होगी u- एक्स और u- एक्स आपको पता है ये ये वेलोसिटी है ये वेलोसिटी इवेंट की स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से है। तो आप u डैक्स u-x और u x इन दोनों में डिफरेंस देख लें u x स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से किसी इवेंट की वेलोसिटी है और u डैश मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इवेंट की वेलोसिटी है जबकि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये आप जरा देख लें स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो फ्रेम मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v है और उसके अंदर जो इवेंट इवेंट जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी वी डैश एक्स और स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उस इवेंट की वेलोसिटी होगी जाहिर है अगर एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर को event, कोई इवेंट कोई इवेंट हो रहा है और उसकी, उसकी, और, उसकी भी मोशन है मूवमेंट है तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसकी वेलोसिटी और होगी स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से और होगी तो ये यू डैश एक्स मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इवेंट की वेलोसिटी है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इवेंट की वेलोसिटी है और वी ये है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जिसके अंदर इवेंट हो रहा है तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप लोग क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो ये है सपोज दैट टू कॉस्मिक रेज प्रोटॉन्स ये प्रोटॉन असल में कॉस्मिक रेज से आ रहे हैं

X, X और जो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है एक एक दूसरी दूसरी, है और तीनों एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है तो जो प्रोटोन नेगेटिव एक्सेक्स की तरफ जा रहा की तरफ रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्सेक्स की तरफ है उसकी वेलोसिटी जीरो पॉइंट एट सी है और जिसके, जिस जिस प्रोटोन की पॉजिटिव डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, की तरफ है उस वो उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी है है तो बताना ये है कि व्हाट इज द अर्थ रिलेटिव टू ईच रूप पहली बात तो ये है और दूसरा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ईच प्रोटोन रिलेटिव टू ईच अदर तो ये देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन लेकिन है बिल्कुल सिंपल आप लोगों ने पहला क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ईजी है आपने फाइंड करनी अर्थ की वेलोसिटी हर प्रोटोन के हिसाब से तो आप अगर एक प्रोटॉन को p1 और दूसरे को p2 कह दें तो p1 की वेलोसिटी 0.6c है बिकॉज़ इट इज अलोंग द डायरेक्शन x अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन और p2 की वेलोसिटी 0.8c है क्योंकि ये ऑपोजिट टू दैट ऑफ p1 है और ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है तो अगर अर्थ की वेलोसिटी इन दोनों के अलग-अलग इन दोनों के रिलेटिव फाइंड करना चाहो तो साफ सी बात है कि अर्थ के हिसाब से p1 की वेलोसिटी जिसको जिसको हम हम कह कह रहे हैं, P, 1 की जिसको हम V1 कह रहे हैं, है, तो मतलब है, पहले की वेलोसिटी <clears throat> तो के अंदर बैठ के देखें तो अर्थ फिर उसकी तरफ आ रही होगी और अर्थ की डायरेक्शन एक्सिस की तरफ होगी लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो पॉइंट सिक्स ही होगी तो अगर इस प्रोटोन की तो अर्थ की इसके हिसाब से होगी तो मतलब वो प्रोटोन मूव कर रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी अर्थ, अर्थ आप यह समझ लें कि अर्थ के राइट साइड से अर्थ की तरफ आ रहा है नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव डायरेक्शन में मूव करता हुआ तो अगर उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में इतनी होगी क्योंकि आप जब प्रोटोन पी टू के हिसाब से देखेंगे तो प्रोटोन पी टू को आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस देंगे और वो रेस्ट में होगा तो अर्थ उसकी तरफ तेजी से आ रही है तो अर्थ की वेलोसिटी उसके हिसाब से होगी प्लस जीरो पॉइंट एट सी तो अर्थ की इन दोनों के रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो तो बहुत आसान हो गया के P1 हिसाब से और P2 के हिसाब से प्लस जीरो इन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेटिव फाइंड करना चाहें तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए ये काम आसानी से कर सकते हैं आप लोग देखो आप अर्थ पर खड़े आप दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के हिसाब से देख रहे हैं तो यहां हमारे पास

चूंकि आपने पी टू की वेलोसिटी फाइंड करनी पी वन के हिसाब से और अर्थ एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पी वन जो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पी टू जो है वो एक इवेंट है और पी वन जो है उसकी वेलोसिटी होगी वी क्योंकि वो एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और मूविंग वी है तो वी की जगह तो हम जीरो पॉइंट सिक्स सी पुट करेंगे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अगर हम बात करते हैं उसके उसके हिसाब से इवेंट की वेलोसिटी यानी कि p2 की वेलोसिटी वो हमने फाइंड करनी है u2 ux डैश लेकिन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इवेंट की वेलोसिटी वो ux है तो ux है माइनस -0.8c तो आप ux की जगह माइनस -0.8c पुट करें माइनस -v की जगह 0.6c पुट करें और 1 v और ux की जगह दोनों वै, वैल्यूज पुट करें डिवाइड c स्क्वायर पे करें तो आप एग्जैक्टली exactly आप एक वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे वो जो वेलोसिटी होगी वो P1 की वेलोसिटी P2 के हिसाब से होगी और उसका अगर साइन चेंज कर देंगे तो वही वेलोसिटी P2 के हिसाब से P1 की होगी तो एक दूसरे के हिसाब से करने तो जस्ट आपने साइन को चेंज करना है तो ये एक आसान सा आप लोगों ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो इस लेक्चर में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में तो यही एक लेक्चर था जो समझने वाला था यही एक क्वेश्चन था मैं फर्दर और लेता हूँ लेक्चर देखता हूँ और उसमें फिर हम बात करते हैं इसके बाद हम अगर बात करें ये मैं क्वेश्चन वन बाय वन खोलता जाता हूँ ये ये फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर का जो हमारे पास लेक्चर है इसकी मैं बात करता हूँ मैं पहले आपको शेयर करूं अगर हम इसकी शेयर इसको शेयर करें तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में क्वेश्चन में जल्दी जल्दी स्लाइड को देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन चीज है समझने वाली समझ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में चार ही फोर्सेस हैं तो चारों फोर्सेस में अगर आप लोग देखो तो आपको इनका कंपैरिजन मेरा ख्याल है और कोई खास चीज नहीं है बस आपको कंपैरिजन इनका पता होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है उससे उससे वीक वीक कौन सी है और सबसे वीक कौन सी है और आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे स्ट्रॉग फोर् स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फोर्स है और अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फोर्स की स्ट्रेंथ को वन कह दें तो उस हिसाब से बाकी फोर्सेज की स्ट्रेंथ क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 137 जो है वो उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है कम यानी सैंतीस टाइम्स कम हो जाती है और इसी तरह फोर्स वन मिलियंस टाइम कम हो जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत ही कम 10 पर 43 टाइम्स कम हो जाती है तो आपको सिर्फ इनका ऑर्डर जो है उसका पता होना चाहिए ए, बाकी चीजों का तो है ये टिक्की थोड़ा सा था कि आप ऑर्डर वो कैसे याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम स्टैंड वन कह रहे हैं तो बाकी उस हिसाब से बाकियों को आप लोग बता सकते हो तो मेरा ख्याल है और कोई खास इसमें चीज नहीं है हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स मैं शेयर पहले करता हूं एलिमेंट्री पार्टिकल को और फिर हम इस पर बात करते हैं जल्दी जल्दी कर लेते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स में अगर तो क्वेश्चन को मौजूद हैं तो उसको देख लेते हैं जल्दी से आप लोग ये सामने स्क्रीन पे आपको नजर तो आ रहा होगा इसमें अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक, ये आपने कंपैरिजन आपको आना चाहिए कि एक एक, 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 एक किसी भी मॉलिक्यूल का जो कंपैरिजन है वो आप देख सकते हैं किसी मॉलिक्यूल या एटम का या न्यूक्लियस का प्रोटॉन का क्वार्क का तो कंपैरिजन आपको थोड़ा पता होना चाहिए नॉर्मली जो अगर पूछा जा सकता है तो आपसे यही कि एक एटम का साइज नॉर्मली वही में होता है अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो वो फेमटोमीटर्स में चला जाता है और इसी तरह अगर हम प्रोटोन का उसके साइज की बात करें तो वो भी फेमटोमीटर्स में चला जाता है और अगर हम कुआक की बात करें तो वो उससे बहुत कम है और ये लेस देन टेन रेस पार माइनस ट्वेंटी मीटर्स तक चला जाता है तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए लेकिन ये इतनी कोई ख़ास बात नहीं है बाकी ये क्लासिफिकेशन पे तो आप डिटेल हम डिस्कशन कर चुके हैं और इसमें देखते जाते हैं कि आप लोग कौन सी चीज़ जो है वो समझने वाली है यहाँ पर मेरा ख्याल है जो चीज़ खास समझाने वाली है देखने वाली वो यही है कि आप लोग किसी भी मेजान या फिर बरे यानी आप लोग समझ सकते हैं आप बैर या मेजोन की स्पिन या उस पर चार्ज क्वार्क की मदद से फाइंड कर सकते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कोई क्वार्क क्वार्क की स्पिन या फिर का चार्ज बता दिया जाए तो आपसे कहा जाए कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या किसी पायोन पॉजिटिव या पायोन नेगेटिव या पायोन न्यूट्रल पर चार्ज या स्पिन फाइंड करें तो आप लोग बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसमें दो अपर टोन होते हैं क्वार्क होते हैं और एक डाउन तो आप अब अब प्रोटोन के स्पिन जो है उसे तो वन बाय टू आंसर आ रहा है इसी तरह पर चार्ज वन बाय थ्री नेगेटिव होता है तो टोटल चार्ज अगर प्रोटोन पर देखें तो हम इन तीनों को एड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट वन आ रहा है और प्रोटोन पर चार्ज वन नहीं होता है तो ये आपको प्रूव करने के लिए भी पूछा जा सकता है प्रोटोन हैज चार्ज वन तो आप क्वार की मदद से इसको प्रूव कर सकते हैं और इसी तरह न्यूट्रॉन और ये मेमेजोन पर आप चार्ज और स्पिन जो है वो फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्वार्क इसके अलावा और आपको ये चीज पता होनी चाहिए खासतौर पर कि अमेजोन जो है वो दो क्वार्क से मिलकर बनता है जबकि बैरियन जो है उसमें तीन क्वार्क होते हैं और मेरा ख्याल है इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है ये बोजोन की बात करें तो बोजोन हर बोजोन जो है वो किसी न्यूक्लियर फोर्स जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उनको कैरी कर रहा होता है तो बस इसमें तो यही था मैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आता हूँ नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कॉन्जरवेशन लाज हैं कॉन्जरवेशन लाज में थोड़ी एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझना होंगी तो वो हम उसको देख लेते हैं पहले शेयर करता हूँ स्क्रीन और अगर हम देखें तो कॉन्जर्वेशन लाज में एक जो लेप्टॉन नंबर की कॉन्जरवेशन है और दूसरा की है. की की को अगर आप लोग चेक करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आप इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर की कॉन्जर्वेशन अलादा चेक कर लें पर म्यून नंबर की कॉन्जर्वेशन अलादा चेक करें और फिर टॉ जो लेप्टॉन नंबर है उनकी अलग अलग चेक करें उनके, उनकी उनकी तादाद अलग चेक करें और फिर आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके ऐड करके फाइंड कर लें तो ये इस तरह लेप्टोन नंबर फाइंड करना आसान हो जाएगा लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है यहाँ पर जो इंटरेक्शन दी जाएगी आपको एग्जाम में अगर दी गई तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी इसलिए आपको जरूरत नहीं है कि आप अलग अलग उनकी अः कॉन्जरवेशन नंबर की की तादाद चेक करें लेप्टोन नंबर चेक करें अलग अलीट्रॉन मियोन टॉक और बाद में उनको ऐड करें तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा इन सिंपल रिएक्शन के लिए आप डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं मैं भी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ और लेफ्टॉन नंबर जो है ये एग्जांपल्स तो ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं मैं जो एंड पे एग्जाम्पल दी हुई है क्वेश्चन दिए उनको देखता है। लेकिन ये नंबर के साथ लीजिएगा बैर नंबर को, को फाइंड करने के दो तरीके हैं एक तो डायरेक्ट बैरियॉन से आप लोग और एंटी बैरियॉन के डिफरेंस से नंबर फाइंड कर सकते हैं लेकिन दूसरा आप क्वार की मदद मतलब से भी फाइंड कर सकते हो किसी किसी भी किसी भी बैर के अंदर जितने क्वारक हैं और जितने एंटी क्वार्क हैं दोनों का डिफरेंस ले लें ले और उसको थ्री पे डिवाइड कर दें तो इस तरह बैरोन नंबर भी फाइंड हो सकते हैं हाँ इसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव दैट द प्रोटोन हैज बैर नंबर वन तो बड़ा आसान है आप प्रोटोन जो है उसके अंदर क्वार्क की तादाद ले लें क्वार्क कितने माइनस कर दें और थ्री पे डिवाइड कर दें आप प्रोटोन की बात करते हैं कि प्रोटोन जो है ए, कितने बैलो रखता है ए, कितना उसका क्या उसका बैलो नंबर वन है तो आप देखो नंबर ऑफ क्वार्क उसमें कितने तीन माइनस नंबर ऑफ क्वार्क उसमें कोई नहीं जीरो तो थ्री माइनस जीरो प्रूव आसानी से हो जाएगा कि प्रोटोन जो है वन रखता है नंबर रखता है। तो हम इसकी कॉन्जरवेशन चेक कर सकते हैं कॉन्जरवेशन को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे आप किसी भी इंटरेक्शन के लेफ्ट साइड पर देखें बैरियन कितने और राइट साइड पर बैरियन कितने है. अगर दोनों तरफ बैरियन बराबर हैं तो वो वहां पर बैरियो नंबर कंजर्व कर रहा है ऐसी इंटरेक्शन जो है ये है।, तो हम, ए, ये जो है ये पॉसिबल तो हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर इनमें आपने नहीं किए ये मैं जल्दी से कोई आपको बताने की कोशिश करता हूँ जैसे आप लोग ये देखें प्रोटोन प्लस प्रोटोन और बनता क्या प्रोटोन प्लस प्रोटोन प्लस एंटी प्रोटोन प्लस प्रोटोन तो अब इसमें चूंकि सारे के सारे बैरियन है तो लिहाजा यहाँ पर बैर नंबर की कॉन्जर्वेशन चेक करेंगे की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट ऑन तो लेफ्ट और राइट साइड में जीरो जीरो अगर इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड के बैरियो के, दो दो तो के एक एक है तो आंसर आ गया टू और राइट साइड पर वन प्लस वन प्लस माइनस वन प्लस वन क्योंकि एंटी प्रोटोन का बैरियन नंबर माइनस वन होगा तो रिजल्ट अगेन राइट साइड पर भी टू आ रहा है तो ऐसी इंटरेक्शन पॉसिबल है इसी तरह ये बाकी सारी इंटरेक्शन दी हुई है यहां मैं आपको ये बता दूं वो तमाम इंटरेक्शन जिसमें मेजोन आ रहे हैं शायद इस तरह का ना पूछा जाए या अगर पूछा भी जाए देखो मेजोन आ जाता है तो मेजोन के लिए बेरे नंबर या लेप्टॉन नंबर जीरो होगा तो आप मेजोन के लिए बेरेन और लैपटॉन जीरो लोगेपटॉन के लिए तो लैपटॉन नंबर लोगे लेकिन लैपटॉन नंबर जो है वो बेरेन और मेजोन के लिए जीरो होगा इसी तरह बेरेन नंबर जो है वो मेजोन और लैपटॉन के लिए जीरो होगा तो आप इस तरीके से कोई भी प्रयोग कर सकते लोग अगर ये चेक करना चाहें ये पाई पाई न्यूट्रल प्लस अगर हम देखें लेप्टोन लेप्टोन नंबर की कॉन्जर्वेशन देखें लेप्टोन तो इसमें है ही नहीं सो तो आप चूंकि इसमें बैरियन एग्जिस्ट करते हैं इसलिए आप बैरियोन की कॉन्जर्वेशन ही चेक कर लें तो यहाँ पर मेजोन का बैरियन नंबर जीरो प्रोटोन का वन इसके बाद ये अगर हम इसकी बात करें लेमडा की तो इसकी इसका बैरियन नंबर वन और कायन का जीरो तो राइट हैंड साइड पर भी बैरियन वन है लेफ्ट साइड पर भी बैरियन वन है तो ये कंजर्व है ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है बैरियन के हिसाब से लेकिन यहाँ पर जिसमें मेजोन इन्वॉल्व हो जाए वहाँ स्ट्रेंजनेस इन्वॉल्व हो जाती है तो स्ट्रेंजनेस को चूंकि अभी हमने स्किप किया हुआ था इसलिए आप फिलहाल उसको ना देखें आप सिर्फ बैरियन और लेप्टॉन नंबर की कंजर्वेशन को ही देखेंगे तो इसी तरह आप बड़ी आसानी से ये सारे कर सकते हैं ये एक और मुश्किल सारियक्शन देख लेते हैं जैसे ये कायन नेगेटिव प्लस ईटा न्यूट्रल एरो ओमेगा नेगेटिव प्लस पायोन न्यूट्रल तो आप यहाँ देखें मेजोन आ रहे हैं और फिर तो लेफ्ट साइड पर एक बैरेन राइट साइड पर भी एक बैरियन तो आप लोग इन बैरियन की बैर नंबर वन वन होगा तो दोनों तरफ बैर की तादाद सेम है सो बैरियन नंबर कंजर्व है तो आप इस तरीके से सारे कर सकते हैं मेरा ख्याल है कोई कोई भी ये एक और रिएक्शन देखें <coughs> इसमें न्यूट्रॉन बनता क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो तो अगर आप लोग देखें न्यूट्रॉन का अगर इसमें चूंकि लेप्टॉन और बैरियन दोनों इन्वॉल्व हैं सो हमें यहाँ पर बैरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर दोनों को चेक करना होगा तो अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर बैरियन नंबर वन और राइट साइड पर बैरियो नंबर है वन तो लेफ्ट और राइट साइड बैरियो नंबर सेम है सो बैरियो नंबर तो कंजर्व है लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी लेप्टॉन की कंजर्वेशन की तो लेफ्ट साइड पर लेप्टॉन तो है नहीं राइट right साइड पर अगर हम देखें प्रोटॉन का लेप्टॉन नंबर जीरो इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर वन और इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का लेप्टॉन नंबर वन तो राइट right साइड पर लेप्टॉन दो बन रहे हैं लेफ्ट साइड पर जीरो और राइट साइड पर दो तो कंजर्व नहीं है तो इसका ये इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो यहां से एक चीज याद रखने वाली है कि न्यूट्रॉन जब भी टूटता है एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनेगा एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का बैलो नंबर जो लेप्टन नंबर है वो माइनस होगा तो उस केस में यहाँ पर माइनस वन और ये इलेक्ट्रॉन का बैर नंबर वन तो ये ज़ीरो बन जाएगा और ये इंटरेक्शन पॉसिबल होगी मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूट्र, न्यूट्रिनो पैदा हो रहा है तो इंटरेक्शन नहीं होगी ऐसा रिएक्शन नहीं होगा लेकिन अगर एंटी इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो पैदा हो रहा है तो फिर इंटरेक्शन वो पॉसिबल है तो ये चीज़ जरा समझने वाली थी बस इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास देखते हैं कौन सा है एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए तो रखना होगा एक, एक तो जबकि रेलटिविस्टिकली जो बॉडीज मूव करती है उनके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं गेम एम वी तो दोनों में डिफरेंस ये है लेकिन एम वी जो लीनियर का फॉर्मूला पीज इक्वल टू तो एम वी है वो बल relativistic है, है, है मैं यहाँ पर आपको रेल्टिविस्टिक कानेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा ये मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर ले अगर हम रेल्टिविस्टिक कानेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो बस इसका फाइनल में रेल्टिविस्टिक एनर्जी देखें आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा रेल्टिविटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास आती है एम नॉट गैमा सी स्क्तर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर तो एम नॉट गैमा सी स्क् माइनस जो एम नॉट सी स्क्वेयर है ये तो आपको है रेस्ट मैस एनर्जी है यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी उसके अंदर जो एनर्जी है कॉन्टेंट एनर्जी कॉन्टेंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं एम नॉट सी स्क्वेयर के हिसाब से तो रेल्टिविस्टिक एनेटिक एनर्जी तो ये है लेकिन अगर हम यहाँ पर रेस्ट मैस एनर्जी को रेल्टिविस्टिक की तरफ ले जाए

तो बॉडी अगर एक हैवी बॉडी मूव कर रही है तो उसका रेस्ट मैस एनर्जी भी ज्यादा होगी लेकिन कानेटिक एनर्जी तो उसकी मोशन के हिसाब से होगी तो आप समझ सकते हैं कि एक मूविंग बॉडी की एनर्जी उसके अंदर दो ही तरह की एनर्जी हो सकती है एक उसकी रेस्ट मैस एनर्जी यानी उसके अपने मैस की वजह से और दूसरी उसकी मोशन की वजह से तो मूविंग बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी जो है ना उसके दो दो आप समझ लें कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स होगा रिलेटिविस्टिक होंगे एनर्जी प्लस रेस्ट मैस एनर्जी तो इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी मूविंग बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो उसके कैनेटिक एनर्जी और रेस्ट मैस एनर्जी के बराबर होते हैं तो ये बताने का मकसद यह है कि एम नॉट गैम सी स्क्वायर ये दिस इज अ फार्मूला फॉर टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रिलेटिविस्टिक डेक्टिविस्टिक एनर्जी प्लस रेस्ट मैस एनर्जी तो आप लोग समझ सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग फार्मूला एम नॉट गैमा सी स्क्वायर तो अगर आप लोगों को गैमा एम नॉट या सी सी स्क्वायर स्क्वायर ये को तो पता है गैमा में सिर्फ वॉलॉसिटी है अगर आपको वालासिटी दे दी जाए जाएसिटी बता दी जाए और किसी बॉडी का मैस बता दिया जाए तो आप लोग उसकी टोटल टोटल एनर्जी कैनेटिक नहीं टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं तो ये फार्मूला जो है ना टोटल एनर्जी का है आप रिलेटिव एनर्जी से टोटल एनर्जी या टोटल एनर्जी से रिलेटिविस्टिक एनर्जी या रेस्ट एनर्जी इनको आपस में आप कैलकुलेट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं लेक्चर अगर कोई और है जिसमें कोई चीज आपको बताने वाली है तो हम उसको देख लेते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ नहीं मेरा ख्याल है यही चीजें थी जो आप, आपको बतानी थी आप इसको सुन लीजिएगा और अगर कोई बात आप पूछना चाहेंगे तो मेरे साथ डिस्कस कर लेना थैंक यू अल्लाह हाफिज़